धर्मशाला के जिलाधीश कार्यालय में फायर सेफ्टी के सभी यंत्र एक्सपायरी डेट को पार कर चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। वहीं कार्यालय की सभी मंजिलों पर कोई भी यंत्र, कोई भी यहां पर जो आग से बचने के उपकरण हैं या आग बुझाने के उपकरण हैं वो सही नहीं मिले। लेकिन इस समस्या की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है, किसी जिम्मेदार का कोई ध्यान नहीं है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि ज़िले में कई ऐसे संस्थान हैं जिनकी हालत भी ऐसी ही है। तो जो भी यहाँ पर आग बुझाने के उपकरण होते हैं, आग पर कंट्रोल करने के उपकरण होते हैं, पैसेंजर होते हैं, उन पर जो डेट है वो उनकी निकल चुकी है और उसके बाद भी यहाँ पर ये लगे हुए हैं, किसी का कोई ध्यान नहीं है। और अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाता है तो फिर क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। फायर एक्सटेंशन की अगर बात की जाए तो वो भी यहाँ पर एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी डेट्स निकल चुकी हैं और कई जगहों पर, और इसके अलावा जो भी उपकरण है वो ख़राब पड़े हुए हैं, जिलाधीश कार्यालय है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कम से कम इस तरह की चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, ये लापरवाही क्यों बरती जा रही है। खुदा न खास्ता अगर कोई, ईश्वर न करे अगर कोई हादसा हो जाए तो ऐसे वक्त में फिर किस तरह से उस पर कंट्रोल किया जाएगा। तो जिलाधीश कार्यालय का ये जो तस्वीरें हैं देख रहे हैं आप, धर्मशाला की फायर एक्सटेंजर की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी डेट्स निकल चुकी हैं। इसके अलावा और भी दूसरे जो उपकरण हैं वो भी ख़राब पड़े हुए हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी संस्थान की, इसी डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, और भी जो दूसरे संस्थान हैं वहाँ पर भी इस तरह की लापरवाहियाँ बरती जाती हैं। मनोज धीमान हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। मनोज, किस तरह से देखा जाए जो उपकरण है, अगर कहीं पर आग लगती है तो फायर एक्सटेंजर की अगर बात की जाए तो आग बुझाने की, अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई हादसा होता तो ये तो फिर नाकाम साबित हो जाएंगे, तो इसके लिए कोई बात हुई कि आखिर ये लापरवाही क्यों बरती गई, क्यों नजर नहीं रखी जाती इस तरह की चीजों पर? नासिर, देखिए लगातार आग लगने के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, देश भर में ये मामले सामने आए। हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में भी जो है वो छोटे छोटे हादसे जो हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह होती है कि जो दूसरों को शिक्षा देते हैं, जो दूसरों को जागरूक करने की बात करते हैं, उनके कार्यालय में खुद ही जो है वो आग बुझाने वाले संयंत्र जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी डेट जो खत्म हो चुकी है, जिनको बदला नहीं गया। हालांकि जब डीसी महोदय ने अभी नया नया कार्यभार संभाला है, उनसे बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने अभी अभी कार्यभार संभाला है और चुनावों के चलते जो है व्यस्तता रही होगी और जिसके कारण जो है वो नहीं बदले गए होंगे या टेंडर जो है वो पास नहीं किया होगा। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है कि यहाँ पर आग बुझाने वाले संयंत्र जो है वो उनकी डेट जो है वो एक्सपायर हो चुकी है और उन्हें जल्द बदलने की बात भी यहाँ पर नासिर की जा रही है। अच्छा, इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स हैं, और भी बहुत सी जगह हैं वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें नजर आती हैं, जो फायर एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उसके बारे में अब इस पर किस तरह से नज़र रखी जाए मनोज? क्योंकि कई बार हम कोचिंग सेंटर्स को भी देख रहे हैं, कई बार और भी दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर भी लगे हुए तो होते हैं, ये दिखते तो हैं लेकिन काम शायद ना कर पाए। नासिर, बिल्कुल आपने सही कहा है कि जिलाधीश के कार्यालय की बात ही नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन की बात कर लो तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहां पर अग्नि शमन यंत्र है ही नहीं, आग बुझाने की यंत्र ही नहीं है और पता भी नहीं है लोगों को कि ये चीज क्या है, आखिर इसका प्रयोग कैसे होता है। तो बड़ी लापरवाही जो है वो संस्थान भी कर रहे हैं क्योंकि आग लगने में कुछ ही वक्त भी नहीं लगता और पता भी नहीं चलता कि आग कैसे लग गई है, जबकि बाद में हवाला ये दिया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। लेकिन जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, लोगों को पता नहीं होगा कि आग बुझाने वाले यंत्र काम किस तरह करते हैं और ये किस तरह इनको दफ्तरों या जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर लगाया जाता है और कब ये काम करता है,
ये जागरूकता जो है वो लोगों में लानी होगी, और कहीं ना कहीं जो है जो सरकारी विभाग है उनको सबसे पहले सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकारी जितने भी कार्यालय हैं, सरकारी विभाग हैं, उनमें दस्तावेज बहुत ज्यादा होते हैं जिनमें रिकॉर्ड होता है, और उन जितने भी अधिकारी हैं उनको सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा, और इन सभी जो कार्यालय हैं यहाँ पर अग्निशमन यंत्र लगाने होंगे, और उनका उनको कैसे प्रयोग करते हैं ये भी उनको सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए मनोज। तो अग्निशमन यंत्र या फिर फायर एक्सटिंग्विशर की अगर बात की जाए तो ये एक्सपायर हो चुके हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट में या जहां भी लगे होते हैं, लोग एक बार लगवा लेते हैं फिर सालों गुजर जाते हैं, कोई उनकी देखरेख नहीं करता, कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि ये सही भी हैं या फिर ये ख़राब, अब इनकी डेट निकल चुकी है, और अगर कभी कोई हादसा हो जाता है तो उस वक्त फिर किस तरह से इनके ज़रिए काम किया जाएगा। फायर एक्सटिंग्विशर्स की अगर बात की जाए तो अब देखना होगा कि अब ये खबर, इस खबर के बाद इनको किस तरह से देखा जाएगा, कितना इनमें अब इनको बदलवाया जाता है, और इनकी जो डेट निकल चुकी है, एक्सपायर हो चुके हैं, इसको कितना संजीदगी से लिया जाता है।